देख सकते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के जो है रतनपुर गांव में आ चुके हैं। यहाँ बेसिकली जो शक्तिपीठ है महामाया देवी मंदिर, वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं। और अभी जा रहे हैं हम लोग दर्शन करने के लिए, आपको पूरा व्यू दिखाते हैं यहाँ का। देखिए ये सारे भाई हमारे रेलवे से हैं और चलते हैं हम लोग, अभी पूरा आपको व्यू दिखाया जाएगा। कितना भव्य जो है यहाँ पे इसका गेट बना हुआ है। सबसे पहला गेट तो आपको मैंने पहले की वीडियो में बताया, यह है दूसरा गेट। यहाँ से बेसिकली एंट्री होती है मंदिर में, यहाँ पे देख सकते हैं आप। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। हमें भी बाय यूट्यूब इसका पता मिला था और आज हम पहुंचे हैं यहाँ पे पूरे ग्रुप के साथ, देख सकते हैं। बहुत ही यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, पूरे मंदिर की सैर कराते हैं आप सभी लोगों को। ये बेसिकली एरिया है जहाँ पे आप गाड़ी पार्किंग करा सकते हैं, बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ पे। सारा प्रॉपर वे में यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि कहाँ से आपको जाना है, कहाँ से एंट्री करना है, कहाँ पे गाड़ी पार्किंग मिलेगी। अभी देख सकते हैं पूरे रोड में जो है आपको चढ़ाने के लिए जो कुछ भी सामग्री यहाँ पे दी जाती है वो सारी खरीद सकते हैं। और ये हमारे भाई लोग, देख सकते हैं मेरे को जो यहाँ पे महामाया माता के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय भी है, जहाँ बेसिकली संस्कृत से रिलेटेड हर वेद की शिक्षा दी जाती है, देख सकते हैं आप। और चलिए आपको आगे दिखाते हैं। कहीं निकालने का जगह होगा ना, जूता चप्पल निकालने का प्लेस देगा, देख सकते हैं। ये यहाँ पे रुकने के लिए पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था है, यहाँ पे जाके आप रुक सकते हैं कमरा लेके। अगर आप एक दो दिन के टूर के लिए भी आते हैं तो भी। चलिए आपको आगे की ये सारी दुकानें आप देख सकते हैं, यहाँ पे चुनरी प्रसाद सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, ये है देवी महामाया का मंदिर जो एक शक्तिपीठ के रूप में जाने जाता है, और ये बिलासपुर से लगभग 1 घंटे की दूरी यानी कि 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये जगह है रतनपुर, आप यहाँ पे आ सकते हैं दर्शन करने के लिए, बहुत ही अच्छी जगह है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक जलकुंड भी है जहाँ पे आप स्नान करके जो है यहाँ पे मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। निःशुल्क जूता चप्पल स्टैंड है, यहाँ पे आप जूता खोल के रख सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं जूम कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ये एक मंदिर है। यहाँ से आप मनोकामना ज्योति कलश कक्ष पंचमुखी शिव मंदिर और महाकाया वाटिका जा सकते हैं। आगे देखिए, आगे जब जाते हैं तो ये जो है महामाया शक्तिपीठ महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट है, यहाँ पे आप दान भी दे सकते हैं। ये और एक गेट है यहाँ पे, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हम लोग मंदिर में लगभग पहुंच चुके हैं। ये जो है मंदिर प्रवेश द्वार है, इसे प्रवेश करते हैं हम सभी लोग। और ये देखिए यहाँ पे जलकुंड भी है जहाँ पे आप स्नान करके जो है आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। ये देख लीजिए बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे व्यू है, आप अगर यहाँ आते हैं तो निश्चित तौर पर ही आपको बहुत ही सुकून प्राप्त होगा। चलिए अभी चलते हैं मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। देखिए हम लोग लाइन में लग चुके हैं और जा रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। नीचे से ही करना है और चला।
ये जो है माँ का मंदिर है और यहाँ पे हालांकि अंदर में तो फोटो खींचना मना है, इसके चलते मैंने पूरी तरीके से वीडियो आपको नहीं बनाई, मतलब यहाँ की वीडियो नहीं बनाई है। आप देख सकते हैं मंदिर बहुत ही बढ़िया मंदिर है और आप यहाँ का दर्शन कर सकते हैं। ये अखंड ज्योति क्लास है और यहाँ से आप एंट्री लेते हैं माँ के मंदिर में। ये देखिए, ये श्री काल भैरव जी का मंदिर है। ये एग्जिट का रास्ता है, इधर श्री काली भद्रकाली माता का मंदिर है, ये है माता जी का मंदिर। मैंने एक झलक लेने की कोशिश किया, आप देख सकते हैं वीडियो में। देखिए हमारे जो है आज साथी लोग जो है पूजा कर रहे हैं। ये दिखा देता हूँ फोटो में, ये पुष्प जो है हमें यहीं से मिली है, ये मेरे हाथ में भी है। चलिए, माता का ये भद्रकाली देवी माँ है, इनका भी आपको दर्शन करा दें। जरवाले में परसदी परसदी लोग सदियां आ चुके हैं। सारे अखंड ज्योति आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये अखंड ज्योति कलश है और ये ज्योति जो आप देख रहे हैं ये 10/4/1986 से लगातार जल रहा है। ये कलश लगभग आपके 14/4/18 और 20 लगभग 38 साल से कंटिन्यू ये जो है ज्योति माँ के यहाँ पे जलती जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है और ये है अखंड ज्योति कलश। यहाँ की दिव्यता तो आपको बहुत सारी वीडियो में मिल जाएंगी यूट्यूब पे। हम आज आपको यहाँ की दर्शन कराने के लिए लाए हैं। तो चलिए पूछते हैं अपने साथी लोगों को कैसा उनको महसूस हो रहा है। बताइए आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे इस दिव्य नगरी में आके। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मन बहुत शांति मिल रही है यहाँ आके। यहाँ से अब जाने का मन नहीं करता है बिल्कुल, मतलब धरती का जो सुकून बोल सकते हैं ना। माता जी की पूरी दिव्यता यहाँ भरी पड़ी है। माँ माया का शक्तिपीठ है, बहुत दुर्लभ दर्शन है ये और बहुत सारी लोगों को दर्शन मिलता है। सही बात है भैया, आप कुछ बोलना चाहेंगे? यहाँ पर शांति मिली और बहुत अच्छा लगा दर्शन कर। सही बात है, आप खुद एक बार दर्शन करने के लिए आए, आपको ऐसा ही महसूस होगा। ये हमारे भाई लोगों का जो है अपना जो है विचार इन लोगों ने दिया और मैं भी बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ दर्शन करने का सौभाग्य मिला। चलिए चलते हैं आगे की ओर। हमारी यात्रा थोड़ी ही जो है अभी खत्म नहीं होने वाली है। ये आपको मंदिर के अंदर का हमने व्यू दिखाया है। चलिए यहाँ से हम लोग एग्जिट लोग बाहर चलते हैं। इधर 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 देखिए, यहाँ पे भी बहुत सारे उमा महेश्वर, श्री नंदी देवी, श्री विष्णु जी, महावीर स्वामी जी, श्री विष्णु जी के कई अवतार के जो है यहाँ पे ये हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये हैं हमारे शंकर भगवान। ये पंचमुखी शिव मंदिर है जो महामाया मंदिर परिसर में ही स्थित है और यहाँ देख सकते हैं आप मंदिर की क्या वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और चलिए यहाँ भी हम लोग दर्शन कर लेते हैं। देखिए ये आगे जो आपको दिख रही है ये है हमारी महामाया वाटिका, वहाँ भी चलेंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग शिव मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। देखिए
अपने दर्शन कर लेते हैं। देख सकते हैं ये मंदिर की काफी यहाँ पे जो प्रसिद्धि प्राप्त है इस मंदिर को, और चलिए यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं हम लोग। ये है महामाया वाटिका, ये भी जो है महामाया मंदिर के परिसर में स्थित है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छी जगह है, आप यहाँ आके सैर भी कर सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और लगभग महामाया मंदिर के हर हिस्से में जो है हम लोग घूम चुके हैं अभी तक में, और ये सफ़र कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा महामाया मंदिर का समाप्त होता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और महामाया माता का आशीर्वाद आप सबों पर बनी रहे। धन्यवाद।